हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमकी ग्लो जोन और मैं हूं आपकी होस्ट ममता। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक ऐसा फेस पैक जिससे आप घर बैठे अपने फेस को ग्लोइंग बना सकते हैं। जी हां, हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, हमारे पास टाइम बहुत है तो हम क्या करते हैं, या तो सोए रहते हैं या हम टीवी देख रहे हैं। इन सब के दौरान 5 मिनट सिर्फ अपने फेस को दीजिए ताकि वो ग्लो करे। ओके गाइस, तो ये फेस पैक के बारे में मैं बताने वाली हूँ। सिर्फ 3 चीजों से आप इस फेस पैक को घर पर बना सकते हैं। सारी वो चीजें हैं जो आपके घर पर अवेलेबल होंगी। उसके साथ साथ ये आपके फेस को एक अलग ही अट्रैक्शन देगा, एक ग्लो देगा, और इसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो ऑयली है, ड्राई है या नॉर्मल स्किन है, कोई भी इस रेमेडी को कर सकता है घर पर बैठे बैठे। कुछ सामान बाहर से इसमें आपको नहीं लाना है, और जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इसमें वो ऑलमोस्ट घर पे अवेलेबल होती हैं। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैं बताने वाली हूँ ये है पपाया फेशियल। जी हाँ, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट है हमारा पपाया। पपाया आजकल देख रहे हैं आप मार्केट में बहुत अवेलेबल है। पपाया घर पर जैसे आप खाने के लिए लाते हैं, उसमें से सिर्फ 2 क्यूब आपको बचाने हैं। जैसे मैंने ये रख रखे हैं, 1 जैसे 2 क्यूब है ये। ओके, इतना काफ़ी होता है। और अगर आप 2 लोग हैं या 3 लोग हैं करने वाले फेस पैक करने वाले हैं, तो आप 2 मतलब 2, ये 1 एक इंसान के लिए काफ़ी है, एक फेस के लिए काफ़ी है 2 ये। ओके, तो इसको आपको करना है अच्छे से मैश। तो इसको मैं फटाफट अच्छे से मैश कर लेती हूँ। तो गाइस, मैंने ये पपाया पूरा मैश कर लिया है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको मिक्सी में भी डालकर आप पीस सकते हैं, बट मैंने इसको चम्मच से ही किया है। तो ये इतना अच्छे से ये पेस्ट इसका पीस गया है। अब इसको मैं ट्रांसफर कर रही हूँ एक कांच के बोल में ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। तो ये मैंने कांच के बोल में इसको ट्रांसफर कर लिया है पपाया को। ओके, अब इसमें डाल रही हूँ मैं एलोवेरा जेल 1 चम्मच। 1 चम्मच लूंगी मैं एलोवेरा जेल, ये मैंने इसमें डाल दिया। उसके साथ एक इंग्रेडिएंट और है जो है हमारा शहद। ये तीनों चीजें ऐसी है जो आपके फेस को अच्छे से ग्लोइंग भी बनाएगा और आपके फेस पे से जितने भी डार्क स्पॉट वगैरह है उनको लाइटन करेगा। उसके साथ साथ क्लिंजिंग बहुत जरूरी है। मुझे पता है घर पे हम सब बहुत ज्यादा आलस कर रहे हैं, कोई भी अपने फेस का ध्यान नहीं रख रहा है। तो गाइस, सिर्फ एक ये रेमेडी अपनाने से आपका फेस भी ग्लोई रहेगा और आपको ज़्यादा टाइम भी अपने मेकअप में अपने फेस पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ये चीज़ लगा लीजिए, आपका फेस पूरा दमकेगा, चमकेगा, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं अपने फेस पे। तो सबसे पहले हमको पूरा मेकअप हटाना है अपने फेस से, उसके बाद इसको अप्लाई करना है। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं अपना मेकअप पूरा रिमूव कर रही हूँ। पूरे फेस को आप वॉश भी कर सकते हैं या फिर आप वाइप से क्लीन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको या तो आप अपने हाथों से या फिर किसी भी ब्रश की मदद से आप इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है, और फेस पे अगर किसी के पिंपल वगैरह है तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको अपने नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके हाथ तो डल हो गए हैं थोड़े, तो आप अपने इसको हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
अब गाइस इसको आपको फेस पे लगाने के बाद 5 मिनट तक छोड़ना है, और आप जब इसको उतारेंगे तो इसको जेंटली मसाज करके इसको उतारना है। ओके गाइस, तो गाइस मुझे 5 मिनट्स हो चुके हैं, पूरा फेस मेरा अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसको उतारते समय मैं इसको इस तरीके से रब करूंगी ताकि अच्छे से मेरे फेस को मसाज मिल सके। इस तरीके से आपको ऊपर ऊपर को करना है ऐसे, ताकि जो रिंकल्स वगैरह हैं आपके वो भी ठीक हो जाए इससे। और मैंने अपने नेक पे भी अप्लाई किया था, तो आप इसको भी अच्छे से इस तरीके से रब कर सकते हैं। तो अब मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ, देन मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने फेस को वॉश कर लिया है। अब आपको इसको किसी भी कॉटन से या किसी भी तौलिए से, अपना पर्सनल तौलिया आपका फेस टॉवल होना चाहिए वो, या फिर आपका जो है हैंकी होना चाहिए साफ सुथरा, उससे आपको टैप टैप करके अपने फेस को पोंछना है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कितना निखार आ गया है वन टाइम में ही। तो आप इसको अगर कंटिन्यू रखते हैं, हफ्ते में 3 बार इसका यूज करते हैं, तो आपका फेस को आपको और कुछ भी देने की जरूरत नहीं है आपके फेस को, बस उसी से आपका फेस काफी अच्छा हो जाएगा। ओके गाइस, तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जो नए जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।